स्वयं रांची विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नेहा सोनी जी के आवास पर बैठे हुए हैं, जहां हम उनसे जानेंगे कि राजनीति में उन्होंने अपना कदम कब से रखा, कहां से उनको राजनीति में आने की प्रेरणा मिली है, और अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव 2019 में वो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह से अपना चुनाव लड़ने जा रही है। आइए जानते हैं नेहा सोनी जी से कि आखिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ना मुनासिब क्यों समझा। आप बताइए नेहा सोनी जी, आपका राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ और आपने को कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपने राजनीति को अपना कैरियर बनाया। जी, सबसे पहले मैं सभी रांची के अपने सभी भाइयों बहनों को, बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करती हूँ, जोहार करती हूँ। और मैं नेहा सोनी, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं राजनीति में बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट रहा है। मैं शुरू से ही राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखी हूँ। मेरे पिताजी भी राजनीति में कुछ हद तक रहे हैं, और मेरे प्रेरणा अगर मैं कहूँ तो मेरे माता पिता ही है जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, और मेरे पिता मेरे आदर्श हैं, उनसे मैंने राजनीति के जो गुण सीखे हैं उन्हीं को मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाई हूँ। मैंने राजनीति विज्ञान से ही राजनीति विज्ञान में रांची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और मैं राजनीति को ही अपना करियर मैं मानती हूँ कि राजनीति में भी महिलाओं को, बेटियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी आप ये नहीं समझिए कि हम डॉक्टर बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, पॉलिटिक्स भी ऐसा चीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, और पॉलिटिक्स राजनीति भी बहुत अच्छी चीज़ है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में आप उसे अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो राजनीति बहुत ही हद तक बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सोचने, समझने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका हम लोगों को मिलता है। इससे पहले आप मतलब किन राजनीतिक दलों के साथ कार्य कर चुकी हैं? जी, इससे पहले मैं सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ी जाति मोर्चा में रह चुकी हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक्टिव कार्यकर्ता रह चुकी हूँ। उनसे मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैंने राजनीति के बहुत ही अहम पहलू जो भी होते हैं बहुत कुछ मैं सीखी हूँ। तो ऐसा क्या कारण रहा जो कि आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर कहा जाए तो कार्यकर्ताओं जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पार्टी को परिवार समझते हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, बेटियों का वैसा विकास मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिख रहा था। और अगर जहाँ तक बात करूँ मैं राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती दीदी हैं जो महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका देती हैं, और वो दलितों, गरीबों की पार्टी है। उन्होंने हम जैसे गरीबों को, शिक्षित लोगों को और बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, इनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुई, और इसलिए मैं राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया। क्या मुद्दा रहेगा आपका, चुनाव आप लड़ रही हैं, बेसिक मुद्दा क्या रहेगा लोगों के बीच जाने का? देखिए, बेसिक मुद्दा ये है कि आज शिक्षा का, कितने लोग पढ़े लिखे, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई हाई क्वालिफाई है, लेकिन आप देखिए रोज़गार क्या मिल रहा है। अगर सरकारी नौकरियों का 5 साल में एक भी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप देखिएगा अगर जो भी वैकेंसी आ रहे हैं उसमें उतना क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का अगर आप जॉब की बात करते हैं तो जो उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए उस हिसाब से उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है। अगर आम लोगों की मैं बात करती हूँ, आम जनताओं की, तो उन्हें क्या चाहिए? पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। आप पानी का देखिएगा कितने घरों में, जिनके घरों में पानी आया या ना आया लेकिन 60-70 हज़ार का बिल आ गया। अगर आप शिक्षा की बात करते वही हाल है। अगर आप चिकित्सा, हेल्थ की बात करते हैं तो आप देखिए कि कितने लोगों को कार्ड तो मिला लेकिन क्या हॉस्पिटल्स वाले, डॉक्टर्स फ्री में कर रहे हैं इलाज? कितने लोगों की जान चली जा रही है कि हमें कार्ड तो मिल गया हेल्थ कार्ड लेकिन डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स वो फ्री में इलाज करना नहीं चाहते हैं। इन सब चीज़ों को मैं सुधारूंगी। सड़क की जो बात है सड़कों में सुधारूंगी। पानी की बात है उन्हें मैं पानी को, जिनके घरों में पानी नहीं जिन एरिया में पानी नहीं पहुंच पा रही है वहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध कराऊंगी। अच्छी शिक्षा की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। और रोज़गार,
जो हमारे शिक्षित भाई बहन हैं जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देखिएगा आए दिन झारखंड रांची शहर में कभी चोरी हो रही, कभी डकैती हो रही, जो रोजगार है, जो पढ़े लिखे जिन्हें कोई रोजगार नहीं, जो बेरोजगार है, तो वो क्या करेंगे? आखिर उनका मन, उन्हें भी तो अपनी जीविका उपार्जन के लिए करने के लिए उन्हें भी ज़रूरत है, तो इधर उधर भटक जा रहे, कोई चोरी कर रहे, कोई डाका डाल रहे, कोई इस तरह की, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ये तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। क्या लगता है 5 साल में भारतीय जनता पार्टी विकास का नाम ले रही है, विकास हुआ विकास हुआ विकास, कितना लगता है कि विकास हो पाया? देखिए विकास तो अगर आप कहा जाए तो केंद्र से तो विकास के ऑर्डर जरूर आ रहे हैं, लेकिन आते आते यहाँ तक विकास गायब हो जा रहा है। जो विकास होना चाहिए, जिसके लिए फंड दिया जा रहा है विकास के लिए, वो कहीं ना कहीं कमी रह चुकी है, इसे जनता भी देख रही है और बाकी लोग भी समझ रहे हैं। क्या संदेश लेके जाएंगे लोगों के बीच, लोग आपको ही विधायक के रूप में क्यों चुने? मैं अपने सभी रांची के भाइयों बहनों से यह उम्मीद करती हूं और ये प्रार्थना भी करूंगी कि आप रांची के जो स्थानीय लोग हैं, जैसे मैं रांची में ही जन्मी हूं, पली हूं, बड़ी हूं, रांची की बेटी हूं, मैं आपके शहर की बेटी हूं, अपने बेटियों का विकास करें, अपने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाएं, और क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वही आपकी समस्या को समझ सकते, कोई दूसरा आपकी समस्या को नहीं समझ सकता। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, रांची शहर के सभी लोग मेरे परिवार की तरह, और उनकी समस्या को एक परिवार का सदस्य ही समझ सकता, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नेहा सोनी जी से खास बातचीत केलांचल न्यूज़ टीम ने की, जहां उन्होंने बताया कि वो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा मुद्दे और खासकर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं जैसे मामलों को कम करने को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर ये लोगों से अपील कर रही है।